जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे। ये जो वो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। आंखें बंद करके 3 बार उनका नाम लीजिए, 3 बार मन ही मन में उनका नाम सोचिए और फिर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए और देखिए कि अगले 48 घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट का मेडिटेशन करना है। लंबी सी गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी हो तो इस मंत्र से वो नेगेटिविटी क्लियर हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, आपको अच्छा महसूस हो और आप बहुत पॉजिटिव फील करें। चलिए आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का, सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे एंजल्स का, मेरे इष्ट देव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी पाना चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है और ये सब कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है। अब मेरा मन बहुत शांत रहता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ मेरे ही चर्चे हैं, लोग मुझसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता प्राप्त करता जा रहा हूँ और ये सब कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, हम बताने वाले हैं अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, वो आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं, क्या महसूस करेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी अगले 48 घंटों में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम साइन और एलिमेंट से। इधर जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है।
जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 2 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख और 13 तारीख। बर्थ मंथ फरवरी, अगस्त, जनवरी और मार्च, नवंबर। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, ए, ए फॉर अर्जुन, और के फॉर कर्ण, एस। अब आगे आगे अपने आप निकालो नाम, ठीक है। एस एन यू पी डी वाई जी एम बी के वी एल एम आर सी, ठीक है। ये है इनके नेम का इनिशियल। देखिए इधर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, बहुत न्यू सा कनेक्शन है, बहुत न्यू सा कनेक्शन है और आप लोग मिले हैं कहीं किसी मीटिंग में, किसी ट्रिप पे, किसी इवेंट में, कहीं जर्नी के दौरान ऑनलाइन, और मिलकर ही पहली बार में, कहते हैं ना कि पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। मतलब कि पहली बार में ही आप दोनों ने एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ महसूस किया, एक अनजाना सा अट्रैक्शन, एक कनेक्शन, जैसे कि कुछ बहुत बहुत अलग लेवल का फील हुआ, बहुत अलग सी वाइब थी, बहुत अलग सी फीलिंग्स थी। आप दोनों बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, जैसे कि एक दूसरे से विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। आप भी बहुत इमोशनल हैं और वो भी बहुत इमोशनल हैं। आप भी बहुत सेंसिटिव हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव हैं। आप भी बहुत समझदार हैं, वो भी बहुत समझदार हैं। बस ऐसा लगता है कि शायद दोनों मैरिड हैं, या कुछ लोगों के लिए लगता है कि वो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, मतलब कोई एक मैरिड है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कितनी भी दूरियां बना लो, कितनी भी दूर होने की कोशिश कर लो कि नहीं, शायद ये रिश्ता समाज को एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ इश्यूज हों, लाइक एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों का, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब आपने इनको पहली बार देखा ना, तो आपके दिल ने पहली बार देखकर ही, या फिर इनसे बात करके ही फील किया कि शायद आपको इन्हीं की तलाश थी अब तक, शायद आपकी आत्मा इन्हें ढूंढ रही थी, इधर उधर किधर कहीं आप इन्हें ही ढूंढ रहे थे। जैसे कि आप जिस रिश्ते में अब तक रहे हैं, आप उस रिश्ते में ना खुश थे, ना सेटिस्फाई थे किसी भी तरीके से, ना वो इम्पोर्टेंस मिली आपको, तो हमेशा से आपकी शिकायत रही है यूनिवर्स से कि क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए थे, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की थी कि मुझे ऐसे ऐसे लोग ज़िंदगी मिल रहे हैं, क्या कोई नहीं बना मेरे लिए, क्या मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करती, या फिर डिज़र्व ही नहीं करता, क्यों। आपकी हमेशा से शिकायतें रही हैं ईश्वर से इस बात को लेकर कि क्या मेरी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं लिखा, क्या ये बता दो बस। जबकि आप इतने डिज़र्विंग हैं, इतना प्यार डिज़र्व करते हैं आप, इतनी केयर, इतनी रिस्पेक्ट, कि हम क्या बताएं। लेकिन कभी कभी ना
जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जब लोग आपके लेवल के नहीं होते हैं। लेवल हमेशा फाइनेंशियली मत लेना कभी भी। अक्सर पता है हमारे साथ क्या होता है, जब कोई भी हमारे रिश्तेदार का या फिर कोई हमारा बहुत पुरानी फ्रेंड, कोई पुरानी फ्रेंड दोस्त कुछ भी, तो जैसे पहले जो बातें हुआ करती थी अब वो नहीं है। हम शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे आ गए हैं। आगे मतलब ये नहीं कि उस लेवल पर कि नीचा दिखाना, उस लेवल पर कि अब पसंद एक जैसी नहीं है, अब चॉइसेस एक जैसी नहीं है, अब बातें एक जैसी नहीं है। तो शायद कभी कभी हम मगरूर लग सकते हैं। ये हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। शायद ऐसा लग सकता है उनको कि घमंड आ गया है, अब उतना बोलती नहीं है और अब वो बोरिंग हो गई, फिर उसकी बातें बहुत अलग हैं। तो हो सकता है कि अब आप लोग, मतलब आप लोगों की समझ से बाहर हैं। हम आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताते हैं। हमारी बचपन की एक दोस्त थी, बचपन की मतलब क्या बताएं, 9th 10th में वो हमारी दोस्त थी। 2 साल हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती रही। इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हम क्या बताएं, कि बस ये समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे की जान थे, क्या बताएं, इतना प्यार था। लेकिन फिर उसके बाद हम जहाँ पढ़ते थे, फिर हम वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, हम दोनों अलग हो गए। फिर 2-3 साल बातें होती रही। क्या हुआ कि 2013 में किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसने हमें खूब सुनाया। उसने हमारी बात नहीं सुनी, बस उसे गुस्सा आ गया और उसने हमें समझा नहीं। हुआ था कुछ ऐसे ही, थोड़ी सी बहस हुई तो बस उसने फ़ोन ऑफ़ कर दिया। फिर हम उसे बार बार कॉल करते रहे कि सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं था, सुनो सुनो, पर उसने सुना नहीं। तो उसे पता है क्या, हमारी फ्रेंड को जब गुस्सा आता था तो वो अपने बाल कटवाती थी। तो उस दिन उसको गुस्सा आया तो कहने लगी कि आज मैं बाल कटवा के आऊँगी। तो बाल कटवा, उसे मतलब बॉय कट बाल रखना बड़ा पसंद था। दोनों के बीच ना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, वो हमें बहुत समझती थी, हमें सुनती थी। और जब वो हमसे बार बार बोलती थी तुम मुझे गाना सुनाओ, जब वो परेशान होती थी तुम मुझे गाना सुनाओ, तो हम ऐसे होता था। फिर क्या हुआ कि वो हेयर कट करवाने गई और वहीं उसका कहीं फ़ोन खो गया। फिर उससे उस टाइम पर इतना नहीं था कि हम कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं दोनों के, भाई भाई नंबर निकालो। फिर क्या हुआ कि उसने वो नंबर निकाला नहीं, वो फ़ोन खो गया उसका और उसका नंबर चला गया। फिर उसका नंबर चेंज हो गया और किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था, मतलब हमारे पास उसका, कि हम उससे कांटेक्ट कर पाते। कई साल तक ऐसा रहा कि सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, हमारे बहुत दोस्त हम नहीं बनाते, सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर यूँ समझो कि 13 से हम उसे अब तक ढूंढते रहे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आसपास वो जहाँ रहती थी। 1 साल बाद ही उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो भी वहाँ से चली गई। कि हम किसी को भेज कर बोलते कि जाओ ज़रा सा उसका नंबर मतलब निकाल के दो, हमें उससे बात करा दो, सॉरी, कुछ भी ऐसा। आपको पता है वो एक ऐसी दोस्त अब है कि हमने उसके लिए, जैसे लोग भगवान से कुछ मांगते हैं ना, हमने उसे मांगा कि भगवती से हमेशा मैनिफेस्ट करते थे कि बस क्या हम इस जन्म में क्या वो कभी मिलेगी। क्योंकि सब जिससे भी हम कहते थे कि उसका कांटेक्ट है क्या, लोग कहते थे पता नहीं वो कहाँ चली गई, गायब भी हो गई जैसे वो। हमने ऐसे उसे मैनिफेस्ट किया कि शायद हमने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी मैनिफेस्ट नहीं की होगी जितना हमने उसे मैनिफेस्ट किया। और हमने कितने साल तक, आप सोचो, 10 साल तक हमने उसे ढूंढा है और हर जगह ढूंढा कि वो किस किस नए नए नाम से आ सकती, कैसे कैसे। फिर आज छोड़ दी थी हमने कि अब वो हमें कभी मिलेगी, कभी शायद मिलेगी, लगता था अब नहीं मिलेगी। अभी हम बताएं, अभी लास्ट मंथ अचानक से वो हमें एक जगह दिख गई। कहाँ पे? फेसबुक पे दिख गई। हमने सोचा कि वही है। अब उसकी प्रोफाइल लॉक थी, अभी भी वो मतलब पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत समय हो गया, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को चेंज कर लेते हैं।
तो हम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन पता नहीं क्यों अपने नाम से भी नहीं थी वो, अपने नाम से भी नहीं थी। क्या बताएं, बस दिल ने कहा कि शायद एक बार जाकर देखते हैं। फिर उसके बाद फेसबुक पे हमने उसे देखा, उसे तुरंत हमने रिक्वेस्ट की और कि अब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे तो शायद कुछ बात होगी और हम उससे पूछेंगे ये वही है क्या, वही है क्या। उसके बाद बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था हमें कि हम नाच रहे थे पागलों की तरह, क्योंकि उसके पीछे एक इतना बड़ा राज छुपा, जैसे कि उस जैसी एक लड़की हमें 3-4 साल पहले मिली थी, हमने सोचा था ये वही है। उससे हमने इतनी बातें कर डाली कि हमें लगा कि हमारी ये वही फ्रेंड है, लेकिन फिर उसने बताया नहीं दीदी मेरा नाम ये है, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से हूँ, मैं तो वहाँ कभी गई नहीं, आप जहाँ की बात कर रहे हो। तो एक्चुअली हम वो हमारी फ्रेंड कानपुर की है, ठीक है, कानपुर यूपी में, तो वहाँ की है वो। तो ये समझ लीजिए कि वो हमें अभी मिली। फिर हमने सडनली इंस्टाग्राम पे वही नंबर वही नाम सर्च किया तो वो हमें मिल गई, समझ रहे, वो हमें मिल गई। हम कह रहे सच्ची ये, हमने उसे कम से कम 10 मिनट में 20 मैसेज कर डाले, सॉरी यार माफ़ कर दे ये वो, ऐसी भी क्या इतनी भी लंबी नाराज़गी कौन रखता है। अब हमें पूरा श्योरिटी हो गई कि हाँ ये वही है, हाँ वो मिल गई। आपको पता है जब हमने उसका वेट किया बहुत ज़्यादा, वो जॉब करती है, हमने उसका बहुत ज़्यादा रीडिंग भी नहीं कर पा रहे थे, हमारे हाथ काँप रहे थे कार्ड सफल करने में, हम वेट कर रहे कि कब आएगी, शायद वहाँ हमें पता था जॉब करने लगी होगी वो। वो कहती थी कि हम वृंदावन आ गए कानपुर से, वो कानपुर ही रह गई। तो हम कहते थे कि तू मिलने नहीं आएगी हमसे, तो वो बोलती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तेरे से मिलने आया करूंगी। तो वही हमें ये था कि वो कभी हमसे मिलने आएगी, कहती थी कि मैं जॉब करूंगी तो तुझसे मिलने आऊंगी। अब हम क्या बताएं आपको कि हम कितने एक्साइटेड थे कि उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए। और फिर हमसे रीडिंग नहीं हो पाई उस दिन, शायद हमने पक्का रीडिंग नहीं की है उस दिन, हमें याद नहीं है, और हमने रीडिंग नहीं की। फिर हमने उसको मैसेज किया तो वो आ गई। अब हमने तुरंत उससे बातचीत लंबी 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 मैसेज करने शुरू कर दिए, हमने कहाँ थी ये वो, हमने पहले नंबर दो फटाफट, तो वो नंबर नहीं दे रही, बोली रुको थोड़ी देर बाद देती हूँ। फिर उसने कहा क्या यार इस नाम से इंस्टाग्राम पे मैंने तुझे बहुत ढूंढा, तू भी नहीं मुझे मिली। हमने कहा हद हो गई, हम इसे कैसे नहीं मिले। बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हुई। अब पता है सोचो कि 10-12 साल बाद कोई दोस्त मिले तो लोग सोचते हैं ना कि वो बहुत सारी बातें करेंगे, पर अब बातें बदल गई हैं, अब बातें बदल गई हैं। अब जैसे कि जो बातें हम उससे पहले कर लेते थे अब हम नहीं कर पाते, अब उसकी फील्ड अलग है, हमारी फील्ड अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, अलग चीज़ों में हमारा अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो बचपन के भी दोस्त आपको मिलते हैं तो वो भी आपको नहीं पहचान पाते, या फिर वो भी आपको कभी कभी नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि अब इसे ईगो हो गया, एटीट्यूड हो गया। बल्कि वो जो हमारी फ्रेंड हमें मिली है ये गजब का मैनिफेस्टेशन एक तरीके से ही समझ लीजिए कि वो हमें मिल गई। हम तो सोचते थे कि इस जन्म में अब ये नहीं मिलेगी, हमने आज छोड़ दी थी, पर भगवती ने कैसे मिला दिया, शायद उन्होंने ये कहा, हमें समझाना चाहा कि हम जो भी सोच सकते हैं, हम जो भी सोच लें वो हम पा सकते हैं। उन्होंने हमें एक स्ट्रांग, एक तरीके से फिर से एक विश्वास दिखाया, एक विश्वास दिलाया हमें। पर अब वो हमारी 2-3 दिन बस उससे थोड़ी थोड़ी बातें हुई, 10-10 मिनट की, वो भी बिज़ी रहती, हम भी बहुत बिज़ी रहते तो बातें नहीं होती। लेकिन अब वो मिल गई तो तसल्ली हो गई, लेकिन क्या बताएं अब हम दोनों की बातें सेम नहीं हैं। वो जब भी बात करेगी तो वो अपने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें करेगी, और हमारा तो यही रीडिंग, ध्यान और मेडिटेशन करना, कराना रीडिंग करना, पर्सनल रीडिंग करना, ये अब हमारी ज़िंदगी है। तो अब चीज़ें मैच नहीं करती। हम ये नहीं कहते कि उसका लेवल हमारा लेवल सेम नहीं है, लेवल अभी भी वही है, अंडरस्टैंडिंग अभी भी वही है, लेकिन पता नहीं क्यों अब बातें बदल गई हैं। ऐसे ही जो आप हैं ना, आपकी बातें अलग हैं, तो कभी कभी आपके अपने भी आपको घमंडी, मगरूर, या फिर आपके रिश्तेदार, आपके बचपन के दोस्त ऐसा समझ सकते हैं। आपको कभी किसी ने समझा नहीं है, ये पहला इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको समझ रहा है हूबहू वैसा ही। आपको पता कितनी खुशी मिलती है जब कोई हमारी बातों को एग्जैक्टली उसी तरह समझे जिस तरह हम बोल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ और हैं, लोग सुनते कुछ और हैं, हम समझाते कुछ और, लोग समझते कुछ और हैं। आप अपने स्तर पर बोलोगे, आप अपने लेवल पर बोलोगे, लोग उसे अपने लेवल पर समझेंगे, क्योंकि उनकी वो पहुंच ही नहीं है उस लेवल तक आपके बात को समझने की। तो फिर वो क्या करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, अरे पता नहीं क्या बोली थी, समझ नहीं आती। कभी वो आपको बोरिंग बोल सकते हैं, कभी वो आपको घमंडी बोल सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो लोग आए गए
कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा। बस ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी खामोशी को भी एग्जैक्टली वैसे ही समझता है जैसा आप चाहते हैं। बताइए, है ना ऐसा? तो आपको कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है कि मुझे इसी की तलाश थी, और इसकी तलाश में पता नहीं कितना भटके हैं आप, कैसे कैसे लोगों से सामना हुआ आपका। सॉरी, हमने थोड़ी सी अपनी स्टोरी जोड़ दी, हमें नहीं पता आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी, माफ़ करना, लेकिन बताना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है ना, वो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग आपकी बातों को उसी तरह समझते नहीं। लेकिन इनके प्रति जो आपका इतना खिंचाव हो रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इधर कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों की अंडरस्टैंडिंग है। ये एक ऐसा रिश्ता नहीं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इधर दोनों ही पॉजिटिव हैं, इधर दोनों ही मैच्योर हैं, इधर दोनों ही एक गजब के लेवल का क्या बोलें, एक गजब के लेवल की पॉजिटिविटी है, एक गजब के लेवल का अट्रैक्शन रखते हैं अपने अंदर, गजब के लेवल का ऑरा है आप दोनों का, समझ रहे हैं? तो इनकी इनकी क्या फीलिंग्स हैं, ये अगले 48 घंटों में ना, ये सबसे बहुत ज़्यादा तो आपको स्टॉक करने वाले हैं, ये समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। अगर ये मैरिड हैं या फिर अगर ये कमिटेड हैं किसी के साथ, आपसे इनका कोई, आप दोनों का कोई इरादा नहीं था कि प्यार हो जाएगा इस तरह से। आज आप फीलिंग्स देख रहे हैं इनकी, पर कोई इरादा नहीं था प्यार करने का, लेकिन क्या करें, ये अट्रैक्शन ही कुछ ऐसा हुआ, ये खिंचाव, ये रिश्ता ही कुछ ऐसे कोई अपने आप जोड़ता चला गया। आपने कभी नहीं सोचा था कि इनके साथ आप कभी आगे बढ़ेंगे, या फिर आपने तो कभी सोचा नहीं था कि किसी के भी साथ आप आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, लेकिन इनके साथ कुछ अपने आप ही शायद हो गया, ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं। पता है, कभी कभी जिस लेवल पर ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते ना, कभी कभी इनको लगता है कि कहीं इससे कुछ इश्यूज ना हो जाएं आपकी लाइफ में, फिर इनकी लाइफ में। कभी कभी ये आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, इनका कभी कभी मन करता है कि काश मैं मिला ही ना होता, मैं इतनी पागल हो रही हूँ, मैं इतना पागल हो रहा हूँ, काश मैं इससे कभी मिलती ही नहीं, मिलता ही नहीं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है और ना अगले 48 घंटों में लगने वाला है। ये हर वक्त आपकी पिक्चर्स को देखेंगे, बार 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 इनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, समझ, आपको स्टॉक करेंगे। ये अगले 48 घंटों में पागल होने वाले हैं आपके लिए, मतलब पागल हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, और ये महसूस करेंगे कि काश आप हर वक्त इनके साथ होते, साथ होते तो काम में तो मन लगता है यार, कम से कम ये काम में मन नहीं लग रहा, आप क्या करें। इनका मन होगा कि अपनी फैमिली में बात करें आपको लेकर। अगले 48 घंटों में इन्हें बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि शायद आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनके जिस्म का, इनकी आत्मा का, इनकी रूह का एक हिस्सा हैं, ये समझ लीजिए। बहुत सारी बातें होंगी अगले 48 घंटों में इनके दिल में, जो ये आपसे कहने से डरेंगे, डरेंगे पर कहना बहुत कुछ चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपकी बातें करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन डरेंगे कहने से कि पता नहीं कौन सी बात आपको बुरी लग जाएगी। पता है, आपकी पॉजिटिविटी इन्हें बहुत हद तक सुकून देती है, आपकी बातें, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस इन्हें इंस्पायर करता है, समझ रहे हैं? जैसे कि आप इनसे कुछ भले ना कहो, लेकिन इन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप भी इन्हें पाने की चाह रखते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी हूबहू वैसी ही फीलिंग्स हैं जैसा कि इनके दिल में है, हाँ, जैसा कि इनके दिल में है। ये आपसे बहुत सारा टाइम चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। अगले 48 घंटों में यही सब कुछ सोचने वाले हैं कि काश आप इनके हाथों में हाथ रख के बैठे होते, इनके साथ होते, आप लोग बहुत सारी बातें करते, कुछ इस तरह की फीलिंग्स। और पता है, ये एक्शन लेंगे अगले 48 घंटों में, ये आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं
जिससे आपको खुशी मिले। ये इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में समाज, परिवार, इधर उधर के ज़्यादा लोग मैटर नहीं करते, क्योंकि इस तरह का अट्रैक्शन, इस तरह का प्यार इन्होंने पहले कभी किसी और के लिए महसूस नहीं किया है। और पता है, इनका दिल कहता है कि एक दिन हम दोनों साथ होंगे। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरा दिल कहता है कि एक दिन हम साथ होंगे। पता है क्या सोचते हैं कि काश जैसे ये आपके लिए पागल है ना, आप भी इनके लिए पागल हो जाते। अब इन्हें नहीं पता है कि आपके मन में भी बहुत कुछ है, आप भी इनके लिए पागल हो, लेकिन इन्हें पता तो नहीं है ना। तो इनको लगता है कि काश आप भी पागल होते इनके लिए, काश आप भी इनके लिए वही सब कुछ फील करते जो ये फील करते हैं। तो डियर, हम देख रहे हैं कि शायद आप कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, तो शायद आप खुद भी इनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं। फिर आपका खुद भी मन करता है कि काश मैं खुद ही कर दूं क्या, या फिर आपका मन होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, वही करेगी, वही करेगा। जैसे कि आपकी ज़िंदगी ना खुशियों से भर गई है इनके आने के बाद, जैसे कि सारे गम खुशियों में बदल गए हैं, कुछ ऐसा। पता है, बिल्कुल परफेक्ट मैच है ये, सच में। मतलब कोई कमी नहीं था, थोड़ी सी भी कोई कमी नहीं है। इतनी मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही हमें इस रिश्ते से कि हम आपको क्या बताएं। इनकी एक चाहत है, इनकी कोई ख्वाहिश है, कैसी कि ये बहुत स्पिरिचुअल लव फील करते हैं आपके लिए, बहुत स्पिरिचुअल लव, कि आप हर वक्त इनके साथ रहो। इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ कहीं दूर किसी ट्रिप पर जाएं, जहां पर आप दोनों ही नेचर के करीब एक दूसरे को बहुत महसूस करें, नेचर को बहुत महसूस करें। आप दोनों बहुत लविंग हैं, बहुत नेचरफुल व्यक्ति हैं, नेचुरल चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं, आप दोनों को ही बहुत पसंद हैं। तो ये बस नेचर से बहुत कनेक्टेड हैं, और बस ये चाहते हैं कि आपके साथ नेचर में टाइम बिताना, नेचरफुल जगहों पर टाइम बिताना। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना,
ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओ रे पिया रे। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं, समझ रहे हैं? अगले 48 घंटों में ऐसा ही महसूस करने वाले हैं आपके लिए, और आप भी इनके लिए बहुत प्यार महसूस करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर लेंगे। आपको पता है ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते, ये हर कीमत में आपको पाना चाहते, बहुत पॉजिटिव वे में पाना चाहते हैं। कोई फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई आकर्षण नहीं है, जो भी है बहुत आत्मा से है, बहुत दिल से है, समझ रहे हैं? और ये हर कीमत में दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, ऐसा ये तय कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, कैसा महसूस करेंगे वो आपको लेकर, ठीक है? तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी इधर थोड़ी सी कम है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ और इनिशियल आपको पता है, ये नहीं बताने वाले क्योंकि रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, मुस्कुराइए, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है? आप ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। तो आपको तो पता है कि इधर आना जाना लगा रहता है, ऑन ऑफ लगा रहता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कभी ओवर एटीट्यूड की वजह से, कभी ईगो की वजह से, और कभी कभी बहुत केयरलेस होने की वजह से। कभी कभी ये रिश्ता आपको घुटन देने लगता है, लेकिन ये रिश्ता भी ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नफरत नहीं हो पाती उस इंसान से, मूव ऑन नहीं हो पाते। और हम आपको बताएं, अभी भी यहाँ पर 80% लोग सेपरेट ही हैं। अगर कुछ लोगों की बातचीत हो रही है ना, तो वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, खाना खाया, नाश्ता किया, बस यहीं तक चल रहा है, बातों की तरह बातें नहीं हो रही हैं जिस तरह बातें होनी चाहिए। लेकिन हम आज आपसे थोड़ा सा दुखी हैं, आज हम आपसे डिसअपॉइंट हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 48 घंटों में बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन आप शायद बहुत स्टक हैं। अब दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो अगले 48 घंटों में आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है क्या, या फिर आपका कोई आसपास का आपका कोई अपना दुनिया छोड़ गया है क्या। कुछ लोगों के लिए तो, कुछ लोग तो किसी की बीमारी को लेकर, आपके घर में कोई बीमार है तो शायद आप उनको लेकर बहुत परेशान रहेंगे अगले 48 घंटों में, बहुत परेशान रहेंगे। एक तो इनकी टेंशन, एक तो ये ढंग से बात नहीं करते, इनकी वजह से दुखी रहते हैं आप, और दूसरा हर वक्त आपको यही लगता है कि यार
एक इंसान मुझे इतना इग्नोर कर रहा है, मेरी इतनी बेकदरी कर रहा है, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैं क्यों इसके पीछे हूँ, मैं क्यों इसके पीछे भाग रही हूँ, क्यों भाग रहा हूँ? ऐसा क्या है इसमें जो औरों में नहीं है? कभी कभी तो आप इतना तंग आ जाते हैं, ऐसा मन करता है कि भाड़ में जाए ट्विन सोल जर्नी। ये दर्द सहने के लिए, घुटन सहने के लिए हम पैदा नहीं हुए। लेकिन खुद से कभी नफरत हो पाती है क्या? आपके राइट हैंड को कभी आपके लेफ्ट हैंड से नफरत हो पाती है क्या? नहीं ना, खुद से खुद को नफरत नहीं होती है, खुद का ही हिस्सा है वो एक। तो कुछ लोग तो इनकी हरकतों की वजह से स्टक हैं अभी भी बहुत। हरकत हम बताते हैं कैसी की है इन्होंने, पास्ट में हमें लगता है की है, या तो इनका अफेयर पकड़ा है किसी के साथ, या फिर इन्होंने आपसे ये कह दिया हो कि मैं कमिटेड हूँ किसी और के साथ, या फिर मैंने किसी को कमिटमेंट दे दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह की हरकत आपके सामने आई है जिसकी वजह से आप बिल्कुल चुप हो गए हैं। अब वो बस रोना आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है कि अब इससे कुछ सफाई लेनी है कि नहीं लेनी है, ये कुछ कहे। बस अपनी किस्मत पे कभी कभी रोना आता है, कभी कभी लगता है कि क्या मेरी प्रार्थनाएं काम नहीं करती, क्या क्या ईश्वर तक पहुंचती नहीं है क्या? और मूव ऑन करना चाहते हैं, इससे दूर जाना चाहते हैं, तो जा ही नहीं पाते। ऐसा लगता है घूम फिर कर कितना भी चल लो, कितना भी चल लो, लेकिन फिर वहीं आ जाते, भूल भुलैया जैसी ज़िंदगी हो गई आपकी, कभी रास्ता ही नहीं मिलता है। काश रास्ता मिल जाता तो बाहर निकल जाते। ये रिश्ता नहीं, भूल भुलैया है ये। कितने लोग भूल भुलैया गए हैं, जितने लोग लखनऊ में रहते हैं वो तो गए होंगे। हम एक बार गए थे भूल भुलैया, ऐसा भूले हमें लगता है 3-4 घंटे तक वहीं घूमते रहे, एक जैसे गेट। कुछ लोग गाइडर रख लेते हैं जो गाइड करते हैं, रास्ते दिखाते हैं, फिर यही लगा यार भूल भुलैया आके भी गाइडर ले लो, गाइड करने वाला रखो तो क्या मतलब हुआ भूल भुलैया आने का, जब तक भूलो नहीं। हाँ, तो फिर बाद में बड़ा पछतावा हो कि काश गाइडर ले ही लेते यार, इतना भूले कि 4 घंटे हो गए अंदर ही। वो तो फिर किसी और का सपोर्ट लेके आगे निकले, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये ज़िंदगी भी, ये रिश्ता भी आपको भूल भुलैया जैसा लगता है कि कभी कभी गड्ढों में गिर जाते हैं, कभी कभी दीवार से सर लड़ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ रास्ता मिल गया, हाँ रास्ता मिल गया, मिल गया रास्ता, मिल गया, अब बस इधर से निकल आओ, मिल गया रास्ता। लेकिन आगे थोड़ी दूर बस जाके लगता है यार बंद है, गलत आ गए, चलो पीछे वापस चलो, उल्टा चलो। ऐसे ही रिश्ता है, कभी कभी उम्मीद जगती है कि हाँ सब ठीक हो गया, हाँ सब ठीक हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद लगता है यार ये कभी सुधरने वाला नहीं है, ये कभी सुधरने वाली नहीं है, और इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, ये जैसी थी जैसा था वैसा ही है। तो इनकी हरकतों से अब आप स्टक हो गए हैं, अब आप स्टक हो गए। बस अब आपका ना कुछ बोलने का मन कर रहा है, ना इनसे कुछ बात करने का मन कर रहा है, बस अंदर ही अंदर रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों का हम बताएं कि शायद कोई बीमार है आपके घर में, किसी की तबीयत ख़राब है, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी बहन, कोई भी मतलब आपके घर में, तो वो बीमार हैं, तो आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। एक तो इसकी टेंशन महारात्मा की, दूसरा उनकी। और हमें लगता है कि कुछ लोग इस कदर अकेलापन फील कर रहे हैं इनके चक्कर में कि कुछ लोगों को अपने मम्मी पापा शायद जिनके इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर कोई आपका लव वन जो भी आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है, तो आप उनको याद करते हैं, रोते हैं कि काश वो होते तो वो मुझे इस तरह टूटने बिखरने तो नहीं देते, वो मुझे कम से कम संभाल तो लेते। रोना बंद करो सबसे पहले, तो पॉजिटिव हो जाओ, आपके लिए गुड न्यूज़ है। उम्मीद मत हारो, उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है।
आपको पता है इनमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हैं, ये अब ध्यान साधना में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अगले 48 घंटों में इन्हें पता चलेगा कि आप जो कहते वो सब सही है, और इन्हें बहुत डीपली महसूस होगा कि हाँ हम ट्विन सोल जर्नी में, हाँ हम एक ही आत्मा हैं, हाँ हमारा उद्देश्य कुछ बहुत बड़ा है। अगले 48 घंटों में आपके लिए ऐसा प्यार महसूस करेंगे जैसा इन्होंने आज तक नहीं किया। अगले 48 घंटों में इन्हें फील होगा कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप ही इनके लिए परफेक्ट हैं, आप ही इन्हें वो खुशी, वो प्यार, वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में दे सकते हैं जो ये डिज़र्व करते, फिर ये जो चाहते हैं। आपके ही अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है इन्हें समझने की, आप ही इनके नखरे झेल सकते हैं, आप ही इतना लज्जित होकर भी इनसे दूर नहीं जाते, इनसे प्यार करते हैं। इनको समझ में आने लगा है कि इतना कौन झेलेगा मुझे, और अगर मेरी इतनी बदतमीजियों के बाद, मेरी इतनी बेकदरी करने के बाद भी कोई इंसान मुझसे इतना प्यार करता है तो वो स्वार्थी तो नहीं हो सकता, पक्की बात है, ये वो मतलबी तो नहीं हो सकता। अब असली प्यार शुरू होगा, अब असली प्यार शुरू होगा। लेकिन आप तो चुप हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो, आपने तो मौन धारण कर लिया है। तो पता है इनके सीने में दर्द होगा, इनके दिल में दर्द होगा, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हैं अपनी गलतियों से। इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, इन्हें एक एक चीज़ का एहसास होगा, एक एक छोटी छोटी बात इन्हें याद आएगी, आपका प्यार और इनकी बेरुखी, सब कुछ इन्हें याद आएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता था, कितना प्यार करती थी, और मेरा क्या बिहेवियर होता था, वो मेरे लिए कितनी लॉयल थी, कितना लॉयल था, और मेरा क्या हिसाब किताब होता था। उसने मुझे हर कदम पर समझा, हर कदम पर समझाया, उस वक्त मेरा साथ दिया जब कोई मेरा अपना नहीं, और मैंने उसके साथ क्या किया। हर एक चीज़ इन्हें धीरे 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 याद आएगी, समझ रहे, हर एक चीज़ इन्हें याद आएगी, और इन्हें ये भी फील होगा कि शायद आप इनकी ज़िंदगी से अब जाना चाहते हो, क्योंकि इनको लगता है, इनको लगेगा कि आप अब तंग आ गए हैं इनसे, मतलब इनकी हरकतों से अब आप परेशान हो गए हैं, और अब आप किसी कीमत तो शायद नहीं रुकेंगे या आपको नहीं रोक पाएंगे। ये थोड़े से पॉजेसिव हैं, तो ये इन्होंने हमेशा समाज के लोगों की परवाह की है, और इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा है कि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब इनके बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज़ का इन्हें हमेशा ख्याल रहा है। पर अब चीज़ें बदल रही हैं, अभी चुप है, इन्होंने भी चुप्पी धारण कर रखी है, आपने भी चुप्पी धारण कर रखी है, आप दोनों ने ही चुप्पी धारण कर रखी है। लेकिन इन्हें बहुत अंदर से महसूस होगा अगले 48 घंटों में कि शायद आप मूव ऑन करने वाले हो, शायद आप इन्हें छोड़कर जाने वाले हो। पता है ये बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा ईगो रहा है शुरू से ही कि जाओ 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 चले जाओ, मुझे नहीं रोकना, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कभी जाते ही नहीं हो, आप कह दोगे पर आप लौट कर आओगे। लेकिन इस बार शायद इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही तोड़ दिया है, कुछ किया होगा ऐसा, काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही है, तो इस बार ही चाहेंगे कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, मतलब मत जाओ। ये आपको देखना चाहेंगे अगले 48 घंटों में, बहाने ढूंढेंगे आपको देखने की। अगर आपके आसपास गली मोहल्ले में रहते तो चक्कर काट सकते हैं आपके गली मोहल्ले के, आपकी कॉलोनी के, आपकी सोसाइटी के, और आप जहाँ भी रहते हैं
और अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो आपकी जो भी सोशल मीडिया पर जो भी आईडीज़ हैं आपकी, जहाँ जहाँ पर आप हैं वहाँ वहाँ पर आपको स्टॉक कर सकते हैं, मतलब कि बहुत प्यार महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे आपके लिए। एक बात बताएं आपको, अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले इनके अंदर कभी भी अहोभाव नहीं होता था, अहोभाव मतलब कि ग्रेटिट्यूड नहीं होता था, आप इनके लिए कुछ भी करो इनके मन में जैसे कि उसके प्रति थैंकफुल नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, ये अब ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। और अब इन्हें इनका आत्म उद्देश्य याद आएगा इन 48 घंटों में, और अब एक तो आभार व्यक्त करेंगे मन ही मन में आपके लिए बहुत सारा, और मन ही मन में आपसे बहुत माफ़ी भी मांगेंगे। समझ रहे हैं, अब इन्हें महसूस होगा कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगले 48 घंटों में कोई आपके खिलाफ भरने की कोशिश भी अगर करेगा ना तो ये सुनने वाले नहीं हैं। अब अगर हमने बताया ना कि कुछ लोगों का रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी टूटता बिखरता रहता है, तो अब इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग भी कोई घोल नहीं सकता, ये समझ लीजिए। और अब आपके लिए ये केयरलेस नहीं होंगे, अब आपका बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब इन्हें फील हो चुका है कि ट्विन सोल जर्नी क्या होती है। पहले समझ में नहीं आता था पर अब समझ में आ गया है, तो ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे अगले 48 घंटों में। ये आपका दोबारा से विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे इन 48 घंटों में, आपसे बहुत कुछ कहना चाहेंगे इन 48 घंटों में। समझ रहे हैं, पुरानी बातें याद करना नहीं चाहते ये, पुरानी बातें ना याद करना चाहते हैं ना आपको याद कराना चाहते हैं। अभी आप चुप हैं तो इनके भी दिल में दर्द हो रहा है, और ये आपका दर्द भी अब महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद अब इनका हार्ट चक्रा अवेक हुआ है, शायद अब इनका हार्ट चक्रा अवेक हुआ है, ये समझ लीजिए। तो ये आपके दर्द को उसी तरह महसूस करेंगे जिस तरह आपको वो दर्द फील हो रहा है, आपको जिस तरह दर्द हो रहा है। अब ये मन ही मन में आपसे सच में यही कहना चाहेंगे कि मुझे लेकर अब टेंशन छोड़ दो, कि मैं कहीं जा सकती हूँ, कहीं जा सकता हूँ, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी, तुम्हारा ही रहूँगा, तो मुझे लेकर इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं, मुझे लेकर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले 48 घंटों में पता है ये बहुत दर्द महसूस करेंगे, ये आपसे कहना चाहेंगे कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा बिल्कुल भी कि तुम्हारी ये खामोशी मुझे कितना दर्द दे रही है, मतलब मेरे दिल में कैसा महसूस हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बता नहीं सकता। मैंने अब इस रिश्ते को समझना शुरू कर दिया, मैं समझने लगा हूँ इस रिश्ते को, मैं समझने लगी हूँ इस जर्नी को कि क्या है इस जर्नी में, क्या है इस यात्रा में, और क्या है इस जर्नी का उद्देश्य। तो अब वो सब कुछ मुझे समझ में आने लगा है जो तुम समझाना चाहते थे, जो तुम समझाना चाहते थे। और एक बात, हाँ, पहले मैंने बहुत सोचा लोगों के बारे में, बहुत छुपाया इस प्यार के बारे में कि लोगों को ना पता चले, लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अब मैं ना छुपाना चाहती हूँ ना छुपाना चाहता हूँ, अब पता चल जाए तो चल जाए। समझ रहे हैं, अब ये, अब इस कनेक्शन को, इस प्यार को ये छुपा कर नहीं रखना चाहेंगे, समझ रहे हैं आप। और ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेंगे बहुत जल्दी अगले 48 घंटों में। जिन जिन लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही ना, बातचीत हो सकती है। आपको पता है ये जिन भी देवी देवता को मानते हैं वो इनके सपने में आकर इनको समझाने वाले हैं, आपसे रिलेटेड बातें होने वाली हैं, आपसे रिलेटेड इनको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, आपके बहुत सारे सपने आने वाले हैं इन 48 घंटों में इनको। अगर ये थोड़ा सा झपकी भी लेंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो इनकी आंखों के सामने सिर्फ आप ही होंगे। एक बात और है कि अगर देखो ये पॉजेसिव तो बहुत है, बहुत पॉजेसिव हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है आपका, कोई दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों का,
अगर वो इनके बारे में कुछ भला बुरा कहता है और आप भड़क जाते हैं तो आप ना भड़कें, क्योंकि वो इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा हमेशा लगता है कि कोई अलग करना चाहता है हम दोनों को, कोई है जो आपको भड़काता है और आप मान जाते हो और भड़क जाते हो आप, तो इनको बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हैं। तो डियर ये समझ लीजिए कि अगले 48 घंटे आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, ये आपको बहुत मिस करेंगे, हाँ पुरानी बातें याद करेंगे, कभी हंसेंगे तो कभी मुस्कुराएंगे, हंसेंगे मुस्कुराएंगे कभी रोएंगे, सारी बातें याद कर करके और फील कर लेंगे। ये इन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा कई जन्मों का रिश्ता है, ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, और इस रिश्ते को नॉर्मल रिश्तों की तरह देखना, नॉर्मल कनेक्शन से कंपेयर करना बहुत गलत बात होगी, समझ रहे हैं। तो डियर आपके लिए 48 घंटे बहुत पॉजिटिव हैं, बस हम यूँ कहना चाहेंगे कि हमने शुरू शुरू में कहा है ना कि आपने आज हमें दुखी किया थोड़ा सा आपकी एनर्जी देखकर। तो देखो जो ट्विन सोल जर्नी में फेमिनाइंस होती हैं, हम मानते हैं कि आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा डीपली दुख तनाव में आ जाती हैं, लेकिन एक बात समझिए, एक बात समझिए और अच्छे से समझिए कि इस एनर्जी में आकर आप कभी अपना अच्छा नहीं कर सकेंगे, बुरा ही करेंगे। अब हम यहाँ पर आपको लो एनर्जी में देख रहे हैं और उनको हाई एनर्जी में देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन होता है ना कि अगर अपना बच्चा सबसे आगे रहे तो अच्छा लगता है, नहीं सबके मतलब अगर आगे ना रहे तो पीछे भी ना रहे, पीछे भी ना रहे। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है, इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, अपनी एनर्जी को संतुलित करिए, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे, लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो फिर अब आपका मेल नहीं खाएगा। और जितनी सहानुभूति आप इनको हमेशा दिखाते आए हैं, हर कदम पर इनका साथ देते आए हैं, ये शायद आपको साथ ना दे उस लेवल पर। अगर ये एक बार स्पिरिचुअलिटी में आ गए ना, तो ये आपकी लो एनर्जी में शायद आपको उस तरह नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि अभी इनको इतना तजुर्बा नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिश्ते में किस तरह रहना है, रिश्तों को कैसे संभालना है। ये अब तक खेलने खाने वाले रिश्तों में रहे हैं, इस तरह के कनेक्शन में रहे नहीं हैं, आपकी तरह डीपली अभी ये कनेक्शंस को, रिश्तों को समझते नहीं है, समझने में वक्त लग रहा है, धीरे धीरे आपको प्यार करने लगे हैं, समझने लगे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, बस कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी इनकी जो एनर्जी है उस हिसाब से जो सॉन्ग है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो डियर ये है इनके एनर्जी, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। अब आप यकीन करें, ट्रस्ट करें, ये आपको यही समझाना चाहते हैं, ये आपसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे,
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।